Let us start the numerical questions of the chapter admission of a partner. Okay, तो यहाँ पे मैंने कुछ questions already यहाँ पे लिखे हुए हैं और उनको solve भी किया हुआ है. Just I am going to explain you how they have been solved. Okay, तो जो starting के question है, they are simply calculations, mathematical calculations, and there is no accounting. Okay, first question is A and B. जो आपकी book का question number 2 है. A and B are partners in a ratio 3:2. They admit C for 1/5 share. Calculate new profit sharing ratio. तो इस क्वेश्चन में आपको पुराना रेशो दे रखा है और आने वाले पार्टनर का रेशो दे रखा है एंड इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. तो ऑलवेज अज्यूम किया जाता है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं दे विल सेक्रीफाइस इन देयर ओल्ड रेशो. तो यहां पर जो रेशो को कैलकुलेट करने का तरीका होगा वो यहां इस तरीके से होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिडक्ट द रेशो ऑफ न्यू पार्टनर फ्रॉम द वन. ओके, तो 1 में से 1/5 मैंने माइनस किया तो रिमेनिंग रेशियो बचता है 4/5. दैट इज द कंबाइंड रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर इन द न्यू फर्म. या अपन कह सकते हैं कि देयर कंबाइंड न्यू रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स 4/5. उसके बाद हमें जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका रेशियो कैलकुलेट करना है नया वाला. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली जो यहाँ पे बचा हुआ रेशियो है 4/5 उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इनके ओल्ड रेशियो 3/5 से. तो 4/5 × 3/5 इज इक्वल टू 12/25 बिकम्स द न्यू रेशियो ऑफ ए. लाइक दैट हम बी का रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो 4/5 × b ओल्ड रेशियो 2/5 बी मल्टीप्लाइड तो इट बिकम्स 8/25. एंड यहां पर अब इन दोनों का रेशियो बन जाता है 12:8 और जो नया पार्टनर है उसका रेशियो हो जाएगा 5. तो यहां पे 12:8:5 इज द न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स. ओके, यहां पर अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपली ओल्ड रेशियो में से आप न्यू रेशियो माइनस कर दें तो आपका जो रेशियो आएगा वो 3:2 का ही आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A and B are partners sharing profits in the ratio 7:5. Okay. C, a new partner is given a share. एक नया पार्टनर C फर्म में आ रहा है उसको शेयर दे रहे हैं 1/6 which he acquires from A 1/8 and from B 1/24. जो नया पार्टनर है उसका शेयर है 1/6 और 1/6 का जो 1/8 है वो एक्वायर कर रहे हैं ये ए से और 1/24 एक्वायरिंग फ्रॉम बी. अब यहां पर जो कैलकुलेशन करने का तरीका है वो ये होगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ये डायरेक्टली आपको यहां पर गिवन है. लिटिल बिट यहां पे कुछ चेंज हो गया है, एक सेकेंड, ये हम बी कर देते हैं 1/8 फ्रॉम ए, ये चेंज हो जाएगा 1/8 कर दूंगा मैं इसको. ठीक है, और 1/8 से जब मैं कैलकुलेशन करूंगा 12 × 24 × 7 × 14 × 8 × 24 3. ठीक है, तो 11/24 और यहां पर कैलकुलेट करूंगा तो ये है 1/24. 1/24 इसमें से माइनस किया तो 12 × 10 11 और ये 9/24 हो जाएगा और जो सी पार्टनर है उसका रेशियो रहेगा 4/24. तो यहां पर लिटिल बिट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने इधर चेंज करके लिख दिए थे गलती से. ठीक है, तो यहां पे 7/12 इसमें से पहला पार्टनर 1/8 सेक्रीफाइस कर रहा है, इसको डायरेक्टली माइनस किया जाएगा और ये कैलकुलेशन आएगा इस तरीके से कि 24 इज द एलसीएम, 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 × 7 = 14 और फिर 24 / 8 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, 14 − 3 = 11/24. इसी तरीके से बी का कैलकुलेशन किया गया है, बी ने जो सेक्रीफाइस किया है वो बी के शेयर में से माइनस किया गया है, इट बिकम्स 10 − 1 तो 9/24 और सी का जो शेयर है वो 1/6 है, इट कैन बी रिटन एज 4/24. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम 1/6. ओके, अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. X एंड Y आर पार्टनर्स इन द रेशियो 7:3. दे एडमिट Z एज ए न्यू पार्टनर
to whom X gave 1/7 and Y gave 1/3 of their respective share. तो यहां पर ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है. आपको X और Y जो दो पुराने पार्टनर्स हैं उनके पुराने रेशो दे रखे हैं 7:3 का. उसके बाद Z एक नया पार्टनर आ रहा है, उसको ये जो पुराने पार्टनर हैं अपने खुद के प्रॉफिट शेयर का एक सर्टेन पार्ट दे रहे हैं. तो यहां पर पहले हम सेक्रीफाइस इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. X का रेशो है 1/10 और ये अपने शेयर का 1/7. तो 7/10 का 1/7 हम कैलकुलेट करेंगे, इट बिकम्स 1/10. X sacrifice by X. Like this, Y is sacrificing 1/3 of his share. So 3/10 into 1/3 is equal to 1/10. Means both the partners are sacrificing equally. अब ये लोग जितना सेक्रीफाइस करेंगे obviously वही नए पार्टनर को मिलेगा. तो यहां पर हम जब Z का रेशो कैलकुलेट करेंगे, पहले हम इनके नए रेशो कैलकुलेट करें. 7/10 माइनस, इसने सेक्रीफाइस किया 1/10, इसमें से माइनस किया तो इट बिकम्स 6/10. फिर जो सेकंड पार्टनर है उसने भी 1/10 सेक्रीफाइस किया, उसको मैंने यहां से माइनस किया 3/10, माइनस 1/10 इज इक्वल टू 2/10. ओके, अब इन्होंने जो सेक्रीफाइस किया 1/10 इट बिकम्स द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर. तो 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 2/10. द न्यू रेशियो इज 6:2:2. इट कैन बी रिटन एज 3:1:1 ऑल्सो. ओके, नाउ इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. सोनाली एंड मोनाली शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:2. दे टुक रूपाली एज अ न्यू पार्टनर बाय गिविंग 1/6 एंड 1/12 फ्रॉम देयर शेयर. अब इससे पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो ये है कि यहां पर ये ऑफ देयर शेयर और यहां पर है फ्रॉम देयर शेयर. ठीक है, ये बहुत वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब भी पहले ऑफ लिखा हो कि ऑफ देयर शेयर, तो पहले आपको पुराने पार्टनर के उस रेशो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जबकि फ्रॉम देयर शेयर तो इसका मतलब यह कि डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग रेशो है, आप इसको सीधे सीधे माइनस करेंगे. तो पहले वाले केस में ऑफ देयर शेयर था, तो इनके रेस्पेक्टिव शेयर को पहले हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो रेशो आएगा वो कहलाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो, उसको फिर आप ओल्ड रेशो में से माइनस करेंगे तब आएगा न्यू रेशो. यहां पर लिखा हुआ है फ्रॉम पार्टनर बाय गिविंग 1/6 एंड 1/12 फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव शेयर. तो यहां पर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि ये डायरेक्टली आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन है तो आप सीधे माइनस करेंगे. तो यहां पे इस पार्टनर का शेयर था 3/5, इसमें से इसने सेक्रीफाइस किया है 1/6, माइनस किया तो इसका रेशियो आया 13/13. उसके बाद सेकंड पार्टनर जिसका शेयर है 2/5 एंड ही सेक्रीफाइसिंग 1/12, हमने इसको सॉल्व किया तो इट बिकम्स 19/16. और जितना जितना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं इट विल बिकम द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर. तो 1/6 प्लस 1/12 दोनों को हमने प्लस किया तो इट बिकम्स 15/13. अब यहां पर जो हमारा शेयर आता था पहले वाले के केस में इट वॉज 13/30 और बाकी दोनों के डिनोमिनेटर हैं 60. तो इसमें भी हम दो का मल्टीप्लीकेशन करेंगे ताकि वो भी 60 हो जाएगा. तो यहां पर ये रेशो 13 से डबल हो जाएगा, मतलब 26 एंड द न्यू रेशो विल बी 26:19:15. ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके मैंने यहां पे सॉल्व करके रखे हुए थे जिनको मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है एंड नथिंग. अब मैं आपको आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करके बता रहा हूं. ठीक है, अब बुक के अकॉर्डिंग जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पे आपके पास दो पार्टनर्स हैं और एक नया पार्टनर यहां पर एडमिट किया जा रहा है, नरेंद्र एंड सुरेंद्र. एन एंड एस, ये दो पार्टनर हैं. क्वेश्चन नंबर है 6. नरेंद्र एंड सुरेंद्र दो पार्टनर्स हैं 3:2 के रेशो में. न्यू पार्टनर महेंद्र, जिसको हम शेयर दे रहे हैं 1/10. और इसके साथ में तीन कंडीशंस क्वेश्चन में डाली गई हैं. तो पहली कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं. इसमें लिखा हुआ है कि जो नया पार्टनर है ही इज गेटिंग द शेयर फ्रॉम सुरेंद्र. जो न्यू पार्टनर है
वो अपना पूरा शेयर इससे एक्वायर कर रहा है, इसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। तो एनपीएसआर ऑफ नवीन विल रिमेन सेम, मतलब ये कि उसका नया रेशो जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये 3/5 ही रहेगा। ओके, जो सेकेंड पार्टनर है नरेंद्र के बाद सुरेंद्र, सुरेंद्र ने पूरा शेयर जो नए पार्टनर महेंद्र का है उसको दिया हुआ है। तो यहां पे इसका शेयर 2/5 था, उसमें से इसने 1/10 इसको दिया। अब रिमेनिंग जो बचेगा वो हम यहां पर लिखेंगे, तो एलसीएम आएगा 10 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/10। ओके, और जो महेंद्र है उसका शेयर है 1/10, तो यहां पर ये 1/10 है। ओके, अब इसके शेयर में जो है वो है 3/5, तो नीचे हम 10 करने के लिए ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट कैन बी रिटन एज 2/2 मीन्स 6/10, 3/10 एंड 1/10। तो कैन बी रिटन एज 6:3:4, सॉरी 1। ये इनका नया रेशियो होगा फर्स्ट केस में। अब सेकेंड केस जो है उसके अकॉर्डिंग यहां पे बात करते हैं। तो सेकेंड केस में महेंद्र गेट्स हाफ ऑफ शेयर, मतलब ये कि इसका जो शेयर है उसका आधा पार्ट ये दे रहा है और आधा पार्ट ये दे रहा है। तो यहां पर एनपीएसआर ऑफ नरेंद्र, इसमें इसका ओल्ड शेयर है 3/5, इसमें से हम माइनस करेंगे 1/20 इज इक्वल टू 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 11/20। फिर सेकेंड पार्टनर एस जिसका शेयर है 2/5 एंड ही इज सैक्रिफाइसिंग 1/20, तो इसका शेयर हो जाएगा 8-1 इज इक्वल टू 7/20। और अब जो थर्ड पार्टनर आपका एम है उसका शेयर है 1/10। यहां पे दोनों में डिनोमिनेटर जो है वो 20 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2/2, तो ये हो जाएगा 2/20 एंड न्यू शेयर कैन बी रिटन एज 11:7:2। ओके, और अब थर्ड केस जो है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं कि इन्होंने 3/4 और 1/4 के रेशो में सेक्रीफाइस किया है। इसको मैं रद्द कर रहा हूं ऊपर वाले क्वेश्चन को, या थर्ड पार्ट में यहां पे सॉल्व कर देता हूं आपको। सेक्रीफाइस बाय एन, वन बाय टेन जो नए पार्टनर का शेयर है उसका 3/4 ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, इट मीन्स 3/40। फिर दूसरा पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस बाय एस इज इक्वल टू 1/10 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/40। ओके, अब इनके ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू। ओके, अब इनके ओल्ड रेशो में जो n का ओल्ड रेशो था दैट वॉज 3/5 माइनस 3/40 एलसीएम 40 24 माइनस
3 is equal to 21 by 40. सेकेंड पार्टनर S, जिसका रेशियो था 2 by 5 एंड ही सेक्रीफाइसिंग 1 by 40. तो LCM 40 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15 बाय 40. ओके, और जो हमारा लास्ट पार्टनर है, जो नया पार्टनर है, उसका शेयर M, उसका शेयर है 1 बाय 10. इन दोनों में डिनोमिनेटर आ रहा है 40, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट विल बिकम 4 बाय 40. तो न्यू रेशियो एन पी एस आर कैन बी रिटन एज 21:15:4. ओके, इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट्स. फिर से एक बार कि यहां पर दे रखा है जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर है 1 बाय 10 एंड ही इज गेटिंग अलोन फ्रॉम द सेकेंड पार्टनर, मीन्स एस से ही अपना पूरा शेयर एक्वायर कर रहा है. तो इसका मतलब यह हुआ कि एन अपने शेयर में से उसको कुछ भी नहीं दे रहा है, तो एस शेयर विल रिमेन सेम. तो एन का जो पुराना शेयर था 3/5, इट विल रिमेन 3/5. सुरेंद्र जो नया जो सेकेंड पार्टनर है, ही इज गिविंग हिम 1/10, तो 2/10 - 1/10 इज इक्वल टू 3/10 एंड एम जो नया पार्टनर है उसका शेयर है 1/10. 1/10 इज 1/10. अब यहां पर इनके डिनोमिनेटर जो है दोनों के 10-10 है, इसमें 5 था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इट बिकम 6, 3 एंड 1 न्यू रेशियो. सेकेंड केस जो है उसमें बोला गया है कि जो नया पार्टनर है 1/10, ही इज गेटिंग इक्वली फ्रॉम बोथ द पार्टनर्स. इक्वली मीन्स 1/20 फ्रॉम वन एंड 1/20 फ्रॉम अदर पार्टनर्स. तो यहां पर मैंने 3/5 में से 1/20 माइनस किया, 11/20 इसका शेयर बचा. फिर उसके बाद 2/5 इसमें से -1/20 माइनस किया, तो यहां पे बचा हमारे पास 7/20. और जो नया पार्टनर है उसका शेयर है 1/10. यहां पे डिनोमिनेटर 20-20 है, तो इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लीकेशन किया, तो इट बिकम्स 2/20 एंड द न्यू रेशियो इज 11:7:2. एंड लास्ट जो इसका केस है, दैट इज कि जो नया पार्टनर है उसका शेयर 1/10 है, जिसको कि ये एक्वायर कर रहा है 3/4 फ्रॉम फर्स्ट पार्टनर एंड 1/4 फ्रॉम सेकेंड पार्टनर. तो पहले आपको इनका सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, जिसमें आप 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से. इट मीन 3/40 इज गेटिंग फ्रॉम फर्स्ट पार्टनर एंड लाइक दिस 1/40 फ्रॉम द सेकेंड पार्टनर. ओके, अब यहां पर ये जो रेशियो इन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं 3/40 एंड 1/40, इसको हम इनके ओल्ड रेशियो में से माइनस करेंगे. 3/5 - 3/40 इज इक्वल टू, ये सॉल्यूशन आया 21/40. सेकेंड केस में 2/5 - 1/40 सॉल्यूशन आया है 15/40. और यहां पे दोनों के डिनोमिनेटर 40-40 हैं, तो 1/10 में 4 का मल्टीप्लीकेशन किया हमने ऊपर और नीचे दोनों जगह, तो इट बिकम्स 4/40 एंड द न्यू रेशियो इज 21:15:4. इस तरीके से ये मेरे एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, क्वेश्चन नंबर 6. अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जिसके बारे में बताने जा रहा हूं वो है, उसका सॉल्यूशन आप देखें. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है दिलीप और केशव दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:2. डी एंड के इनका रेशियो है 3:2. ओके, वन मोर पार्टनर, न्यू पार्टनर जिसका नाम है मोहन, मोहन इज गेटिंग 1/4 शेयर. ओके, यहां पर भी वही तरीका है जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझाया है कि इफ इज गेटिंग शेयर फ्रॉम द मोहन, ठीक है, तो मोहन इज गेटिंग हिज कंप्लीट शेयर फ्रॉम केशव. तो पहला केस है 1/4 इज बीइंग गिवन बाय केशव. ये पूरा का पूरा शेयर इसको सेकेंड पार्टनर दे रहा है, तो यहां पे एन पी एस आर
of D. No change. इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसके मीन्स 3/5 इसका न्यू रेशियो भी रहेगा। फिर अपन आते हैं के केस में, जहां पर के 2/5 में से इसको सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब इसको दे रहा है 1/4, तो ये हो गया 20। और जो न्यू पार्टनर है हमारा केशव मोहन, मोहन का शेयर है 1/4। अब यहां पर अगर हम लिखते हैं तो ये 3/5 है, ये 3/20 है और ये 1/4 है। इन सभी में 20 जो है वो हाईएस्ट वैल्यू है, तो इन सबको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/5 इंटू 4/4 इक्वल्स टू 12/20। देन सेकेंड पार्टनर है जिसका शेयर है 3/20, उसमें आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और थर्ड पार्टनर जिसका शेयर है 1/4, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5/20। ये इनके नए रेशोज हो जाएंगे। जो सेकेंड केस है उसमें दे रखा है कि मोहन हैज टेकन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दिलीप एंड केशव इन इक्वल रेशियो। तो यहां पर एनपीएसआर, पहले दिलीप का शेयर कितना है 1/4, ये यहां पे दोनों से एक्वायर कर रहा है हाफ और हाफ, इट मींस 1/8 एंड 1/8 फ्रॉम डी और फ्रॉम के। तो यहां पर एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ डी इज इक्वल टू डी का ओल्ड शेयर जो है वो है 3/5 माइनस 1/8 एलसीएम 24 माइनस 5 इज इक्वल टू 21/40। फिर हम के का न्यू शेयर निकालेंगे, के तो इसका नया शेयर होगा 2/5 माइनस 1/8 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 11/40। ठीक है, तो ये इन दोनों का शेयर हो गया। और डी का शेयर, डी के बाद एम जो हमारा नया पार्टनर है उसका शेयर है 1/4 इंटू 10/10 इज इक्वल टू 10/40। सो न्यू शेयर कैन बी रिटन एज 21:11:10। ओके, ये हो गया हमारा एनपीएसआर, राइट। अब इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस आपको गिवन थे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके यहां पे दिखा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है, तो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो निकल के आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, अब इसमें आपको एक सिर्फ एंट्री और करनी है, वो एंट्री में आपको यहां पर करके बताता हूं। पहले आपको रेशियो निकाल के बताता हूं, फिर उसके बाद सॉल्व करके बताता हूं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइस, पार्टनर हमारे पास है ए और बी, दो पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड रेशियो दे रखा है आपको 2/3 और 1/3, इनका न्यू रेशियो आपको दे रखा है 3/5 एंड 1/5, और तीसरा पार्टनर है जिसका ओल्ड रेशियो कुछ भी नहीं था, न्यू रेशियो है 1/5, राइट। अब हम इसको सॉल्व करें तो इट बिकम्स 15:10। ओके, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, और सेक्रीफाइस जो रेशियो है वो कहलाएगा 1:2, राइट। अब 1:2 जो सेक्रीफाइस रेशियो है उसके बाद आपको ये एंट्री करनी है,
सी गिव्स, तो अब मैं आपको एंट्री करके बता रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इफ यू रिमेंबर, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि जब नया पार्टनर कैश पे करता है गुडविल के लिए तो एंट्री क्या होती है, तो उसके लिए एंट्री हो रही है 3600। इसने कैश में पे किया है फॉर द गुडविल, यहां पर आप लिखेंगे बीइंग कैश पेड फॉर प्रीमियम। आफ्टर दैट ये जो प्रीमियम का अमाउंट होता है इट हैज टू बी डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज 1:2। तो सेकेंड एंट्री आपको करनी पड़ेगी यहां पे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट यहां पर 3600, इसमें 1200 और इसमें 2400 बी गुडविल क्रेडिटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस तरीके से ये जनरल एंट्री भी आपको इसमें करनी थी, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आपको कैलकुलेट करना है वो तो अपनी जगह था ही, साथ में आपको एक एंट्री भी करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 10 है, 11 है और 12 है, ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं क्योंकि मैंने हर तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया है। इसी तरह के ये क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करना है।